खबर बरेली की, बरेली से बीटीवी, बरेली की आवाज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चों को जागरूक करने के लिए, उनके अभिभावकों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया, जिस रैली का समापन कलेक्ट्रेट में हुआ है। और यहां आकर के सभी लोगों ने, प्रतिभागियों ने शपथ ग्रहण ली है कि वो बेटियों के प्रति जो उलाहनापूर्ण रवैया होता है, बेटियों के प्रति जो ऐसा रवैया होता है जिसमें बेटियां स्वयं को बोझ महसूस करती हैं, उस रवैये का त्याग करेंगे और बेटियों के प्रति सद्भावना रखेंगे। इस प्रकार की शपथ सबके द्वारा ली गई है और ये महिला कल्याण विभाग की एक अनुपम पहल है, जिस पहल के लिए आप सभी का आह्वान किया जाता है कि इस पहल में आप सब लोग समान रूप से भाग लें। आज दामोदर से, दामोदर स्वरूप पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली गई जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत थी। और ये पूरा सप्ताह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसमें विभिन्न कार्यक्रम होने हैं। जो हमारी जनसंख्या है उसमें लगभग आधे हमारे जो हैं वो महिलाएं हैं, और ये जो बच्चे हैं ये आज इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चे थे, ये भावी महिलाएं, भावी नागरिक, और इनको अपने अधिकारों के प्रति सजग होना और इस जो भावना है बेटी के साथ कोई पक्षपात ना हो, बल्कि बेटी को बेटे के समान ही माना जाए। बल्कि मेरा व्यक्तिगत व्यू तो ये है कि बेटियां कहीं ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, परिवार को कहीं ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, इसलिए ये जो बेटी बचाने और पढ़ाने का ये जो रैली है या इससे संबंधित कार्यक्रम है, ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हैं। और आप जानते हैं कि जो प्राथमिक पाठशाला बच्चों की होती है वो माँ ही होती है, तो ये जो हमारी छात्राएं हैं ये भविष्य की माँ हैं, ये अपने बच्चों, चाहे वो बेटे हों या बेटी हों, इनके साथ निष्पक्ष रूप से, बल्कि बेटियों को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे ताकि वो भी भावी पीढ़ी अच्छी दे सकें इस समाज को। मैं अशोक कुमार शुक्ला शपथ लेता हूं या लेती हूं कि कन्या भ्रूण समापन का विरोध करूंगा। मैं बेटी के जन्म पर खुशियां मनाऊंगा।